हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक सेंटर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइपोकॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या। फ्रेंड्स, हाइपोकॉन्जुगेशन एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब कि जितना ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन होगा उतनी ही सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो रेजोनेंस की तरह ही वर्क करता है। मतलब कि इसमें सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वाली एटम की एम्प्टी पी ऑर्बिटल या फिर पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल या फिर पाई ऑर्बिटल में डिलोकलाइज्ड होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस के बीच में माइनस का ही डिफरेंस है, ठीक है। हाइपोकॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकन नेथन इफेक्ट से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, हाइपोकॉन्जुगेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, हाइपोकॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, एंड सेकंड है हाइपोकॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई ऑर्बिटल या फिर पाई बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट केस देखते हैं, हाइपोकॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। तो इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मेरे पास इथाइल कार्बोकेटायन है, तो इसमें जो ये प्लस चार्ज है वो एम टी पी ऑर्बिटल में होगा। मतलब यहाँ पे एम टी पी ऑर्बिटल होगी जस्ट लाइक दिस, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो उसके पास वाले एटम की जो सी एच सिग्मा ऑर्बिटल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पुट होंगे, मतलब यहाँ डिलोकलाइज्ड होंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सपोज ये हाइड्रोजन की जगह, देखिए ये हाइड्रोजन की जगह, सपोज ये हाइड्रोजन आता है तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये आएगा तो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। इन शॉर्ट, तीन हाइड्रोजन से हमें अलग अलग, मतलब कि सेम ही स्ट्रक्चर होंगे मगर तीन हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि टोटल फोर हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हैं तो इस वजह से यहाँ पे हमें फोर हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये तो बात हुई एम टी पी ऑर्बिटल में हाइपोकॉन्जुगेशन की। अब देखते हैं पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल में। तो देखिए इसका एग्जांपल है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में ये जो पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल होगी उसमें ये जो हाइड्रोजन होगा वो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और यहाँ से जो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पे तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे और चौथा ये, इन शॉर्ट टोटल फोर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो हम एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, ठीक है। अब केस टू देखते हैं। तो केस टू में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई ऑर्बिटल या फिर पाई बॉन्ड। तो इसमें एग्जांपल है एल्कीन का। तो देखिए यहाँ पे जो एल्कीन होगा वो पास वाले ऑर्बिटल की जो पाई ऑर्बिटल है उसकी पाई स्टार ऑर्बिटल में ये जो सिग्मा ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है वो पुट करेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और निगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो सिमिलरली ये हाइड्रोजन से हम भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये जो हाइपोकॉन्जुगेशन होगा ये भी इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, ठीक है। अब हाइपोकॉन्जुगेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। तो प्लस एच इफेक्ट उसे बोलेंगे जहाँ से हाइपोकॉन्जुगेशन स्टार्ट होता है वो एटम अगर अपने सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो क्या करेगा, सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो इसे बोलेंगे हम प्लस एच इफेक्ट। और अगर जो एटम होता है वहाँ जहाँ से हाइपोकॉन्जुगेशन स्टार्ट होता है अगर वो सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब कि सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो उसे बोलेंगे हम माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये सिमिलरली रेजोनेंस की तरह ही वर्क करता है। यहाँ पे ऑर्थो पे आएगा, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ होगा, फिर यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो फिर से हमारी जो सिस्टम थी वो बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, ऐसा होगा।
फिर ये जो होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, तो फिर से जो सिस्टम थी वो सिस्टम बन जाएगी। तो इस तरीके से माइनस एच इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्किन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करेगा? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे ज़्यादा, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करना है वो समझना है। तो वो समझेंगे हम कुछ एग्जांपल से। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जो पास वाले दो हाइड्रोजन हैं, देखिए ये जो कार्बन हो गया उसे बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन है उसे बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पे कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 0 अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे देखिए, 3, 2, 5 एंड 2, 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, 3, 2, 5, देखिए जब भी ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ इसको भी हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे और 2, मतलब 3, 2, 5, 2, 7, मतलब 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, ये रेडिकल है तो उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे, 3, 3, 6, 2, 8, तो यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, 3, 3, 6, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, तो यहाँ पे 2, 3, 3, 6, मतलब टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और एक बात आपको समझानी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करेगा। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब एम्प्टी पी ऑर्बिटल, तो ये जो बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की टाइप। तो फ्रेंड्स, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। तो प्लस एच इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, और माइनस एच का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मतलब कि जो सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। देखिए, यहाँ पे सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट होगा, और जो सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो उससे हम बोलेंगे माइनस एच इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, CH3 है, CD3 है, CT3 है। तो जैसा कि मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में आपको बताया था कि जो ट्रिटियम है उसकी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो CT3 की प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी। मतलब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, CH3, CD3 एंड CT3, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। अब प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं, तो ये उससे उल्टा हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मैंने बताया था कि जो प्लस आई ऑर्डर है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑर्डर उल्टा है, क्योंकि जो यहाँ पे CH बॉन्ड होगा वो वीक है कंपेयर टू CT बॉन्ड, क्योंकि जो आइसोटॉप, हैवियर आइसोटॉप एटम से जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड वीक है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, तो इस वजह से प्लस एच इफेक्ट भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से CT3 की
प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा होगी कंपेयर टू सी डी थ्री एंड सी टी थ्री। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपरकॉन्जुगेशन मतलब माइनस एच इफेक्ट। तो उसमें एग्जाम्पल है सी एफ थ्री, सी सी एल थ्री, सी बी आई थ्री एंड सी आई थ्री। तो इसमें माइनस आई ऑर्डर क्या होगा, सी एफ थ्री, सी सी एल थ्री, सी बी आई थ्री एंड सी आई थ्री। बट जो माइनस एच इफेक्ट का ऑर्डर है वो इससे उल्टा है। क्यों? क्योंकि जो सी एफ बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, सी एफ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये देखिए पी पी ऑर्बिटल से बना है और एक ही पीरियड के हैं, तो वहाँ पे ऑर्बिटल की साइज़ का और एनर्जी का भी ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। तो इस वजह से ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा होगा स्ट्रांग कंपेयर टू सी आई बॉन्ड। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतना ही बॉन्ड वो वीक होगा और उतना ही जल्दी वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एज इफेक्ट का सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सी आई थ्री में, फिर उससे कम सी बी आर थ्री में, फिर उससे कम सी सी एल थ्री में, फिर उससे कम सी एफ थ्री में। ठीक है, तो चलिए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हाइपरकॉन्जुगेशन कभी भी मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही वर्क करेगा। मतलब कि देखिए मेरे पास सी एच थ्री है, अगर प्लस एच इफेक्ट शो करता है तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा, फिर उसके बाद पैरा पे आएगा, मतलब मेटा पे कभी नहीं आएगा। सिमिलरली जो माइनस एच इफेक्ट होगा उसमें भी पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा पहले, फिर उसके बाद पैरा पे आएगा, तो मेटा पे नहीं आएगा। तो इस वजह से जो हाइपरकॉन्जुगेशन है वो रेजोनेंस की तरह ही ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही वर्क करेगा। और जो हाइपरकॉन्जुगेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी हाइपरकॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक, तो वीक होगा तो जल्दी से टूट जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है ये जितना जल्दी टूटेगा उतना ही हाइपरकॉन्जुगेशन फास्ट होगा, मतलब जल्दी से होगा और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल, बेंजीन पे है CH3, मतलब ये होगा माइनस एच इफेक्ट। तो माइनस एच इफेक्ट जिस इसमें जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसमें जितना माइनस एच इफेक्ट इंक्रीज होगा उतना ही रेट टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, इससे उल्टा प्लस एच इफेक्ट में जितनी प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे सी एच थ्री की प्लस एच इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी, तो जितनी प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा उतनी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और उतनी ही बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा। तो इस वजह से प्लस एच इफेक्ट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम में अगर रेजोनेंस है, हाइपरकॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है, तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देना है रेजोनेंस को, फिर उसके बाद हाइपरकॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होगी, इप्सो पोजिशन पे, फिर ऑर्थो पोजिशन पे, फिर मेटा पोजिशन पे, फिर सबसे कम पैरा पोजिशन पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरकॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।